हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ बजट लैपटॉप इन 2022, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट लैपटॉप और गेमिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप क्या है बजट में। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाएगा और जितना सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट बजट लैपटॉप इन 2022, ठीक है। तो जो पहला लैपटॉप है, मैं मतलब चीपर प्राइस से मैक्सिमम प्राइस तक गया हूँ। जो पहला लैपटॉप है वो है एसस वीवोबुक 14। इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाएगा 10 जनरेशन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, ठीक है। इसका जो ग्राफिक्स का प्रोसेसर है वो है इंटेल USD ग्राफिक्स। इसका जो डिस्प्ले है वो है 14.1 इंचेस। इसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन है 1920x1080 पिक्सल्स। इसमें आपको 8GB रैम मिल जाएगा और एक 1TB हार्ड डिस्क आपको यहाँ में मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो है 30,990 रुपीज। जो सेकेंड लैपटॉप है वो है रियलमी बुक स्लिप। इसका जो प्रोसेसर है वो है 11th Gen इंटेल कोर i3 प्रोसेसर। इसका जो ग्राफिक्स प्रोसेसर है वो है इंटेल USD ग्राफिक्स, सेम पिछले तरह। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 14 इंचेस। इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो है 2160x1440 पिक्सल्स। इसमें आपको रैम 8GB मिल जाएगा, स्टोरेज 256GB, SSD मिल जाएगा आपको यहाँ में। यहाँ में बैटरी में आप चार्ज कर सकते हैं 65W, मतलब बैटरी 65W है। PD सुपर फास्ट चार्ज से आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो है 38,999 रुपीज। जो थर्ड लैपटॉप है वो है एसस वीवोबुक K15। इसका मैं एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ पहले, वो आप जाके भी देख सकते हैं एसस वीवोबुक K15 के बारे में और जानने के लिए, ठीक है। इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाएगा 11th Gen इंटेल कोर i3 प्रोसेसर। इसमें जो ग्राफिक्स प्रोसेसर है वो है इंटेल USD ग्राफिक्स। इसमें जो डिस्प्ले है वो है 15.6 इंचेस QHD डिस्प्ले। इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो है 2160x1440 पिक्सल्स। इसमें आपको रैम मिल जाएगा 8GB, स्टोरेज मिल जाएगा 256GB, SSD यहाँ में HDD नहीं SSD मिलेगा आपको। यहाँ में बैटरी भी 65W टाइप सी एडाप्टर के साथ में मिल जाएगा आपको। इसका जो प्राइस है वो है 40,990 रुपीज। जो फोर्थ लैपटॉप है वो है मी नोटबुक प्रो, ठीक है। इसका जो प्रोसेसर है वो है 11th Gen इंटेल कोर i5 प्रोसेसर। इसका जो ग्राफिक्स प्रोसेसर है वो है इंटेल आयरिस XC ग्राफिक्स, ठीक है। इसमें आपको डिस्प्ले मिल जाएगा आपको 14 इंचेस QHD प्लस। फिर आपका डिस्प्ले रेजोल्यूशन इसका है वो है 2560x1600 पिक्सल्स। इसमें रैम आपको 16GB मिल जाएगा, स्टोरेज आपको मिल जाएगा 512GB SSD। इसका जो प्राइस है वो है 53,990 रुपीज। इसके बाद अभी गेमिंग लैपटॉप आएगा नेक्स्ट, ठीक है। फिफ्थ जो है वो है HP Pavilion Ryzen 5 Hexa Core 5600H। यहाँ से अभी गेमिंग लैपटॉप शुरू हो गया है। इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा AMD Hexa Core Ryzen 5600H। इसमें जो ग्राफिक्स प्रोसेसर है वो है 4GB NVIDIA GeForce GTX 1650। इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 15.6 इंचेस। इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो है 1920x1080 पिक्सल्स। इसमें आपको रैम 8GB मिल जाएगा, स्टोरेज 512GB SSD मिल जाएगा आपको हमें, और इसका जो प्राइस है वो है 54,990 रुपीज। तो ये मैं कुछ कलेक्ट करके ही दिखा रहा हूँ लैपटॉप्स। इसके बीच में भी और बहुत सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाएगा, तो बेस्ट वेरिएंट आपके बजट देखते हुए और आपको किस लिए ये लैपटॉप यूज करना है वो देख के आप चूज कीजिए। मतलब ये अच्छा लगा है ये ही खरीदता ऐसा नहीं, पूरा जांच कर लीजिए, पूरा रिसर्च कर लीजिए उस लैपटॉप के बारे में कि वो लैपटॉप आपका काम आएगा कि नहीं, नहीं तो आप खरीद लेंगे फिर आप पछताते रहेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है MSI Modern 14।
इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाएगा AMD राइजन 5 5500U। इसका जो ग्राफिक्स प्रोसेसर है वो है AMD रेडियन ग्राफिक्स। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं ये PPT में डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके फिर से ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप गूगल में सर्च करके कहाँ आप खरीद सकते हैं इन लैपटॉप्स को, अमेजन या फ्लिपकार्ट में, तो वहां जाके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं, वहां आप जाके जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसका जो डिस्प्ले है वो है 14 इंचेस फुल HD प्लस। इसका जो डिस्प्ले रिजोल्यूशन है वो है 1920x1080 pixels। इसका रैम 8 GB है, स्टोरेज 256 GB एंड NVMe SSD। इसका जो प्राइस है वो है 58,990 rupees। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है मैकबुक एयर M1। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन मतलब यहाँ मैं जो कलेक्ट करके दिखाने की कोशिश किया हूँ, इसका टॉप ऑफ द लाइन एयर एम वन ये सबसे अच्छा लैपटॉप है, ये क्योंकि ये एप्पल कंपनी का है। इसमें प्रोसेसर आपको मिल जाएगा एप्पल M1 चिप 8 core CPU। आपको डिस्प्ले साइज यहाँ का है 13.3 इंचेस। यहाँ में आपको रैम मिल जाएगा 8 GB, स्टोरेज आपको मिल जाएगा 256 GB स्टोरेज SSD। वारंटी आपको मिल जाएगा 1 साल के लिए, और इसका जो प्राइस है वो है 97,990 rupees। जो मैं अभी 7 लैपटॉप के बारे में दिखा दिया हूँ कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका इमेज भी नीचे है, तो आप देख के आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा लैपटॉप कैसा है और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।